बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक कुकिंग व्लॉग, जो कि है भेजा फ्राई या मगज़ फ्राई। और ये मैंने लिया है भैंस का भेजा। तो इसकी मैं झटपट सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ। सबसे पहले मैंने इसको देखे, ये तकरीबन एक जानवर का जो है वो मगज़ कह लें, हम इसको भेजा कह लें, जो भी है वो मैंने ले लिया है। इसको मैंने ठंडे बर्फ़ के पानी में जो है वो डिप करके रख दिए 10 मिनट के लिए। उससे ये होगा कि आपका ये जो इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही होगी ना, इसकी जो झिली होती है ये चीज़ जो है ठंडे पानी में जब आप इसको डिप करेंगे ना, ये देखें, ये बहुत ही आसानी से उतर जाती है। इसे ये आपको नज़र आ रही होगी, तो ठंडे पानी में, बर्फ़ के ठंडे पानी में डिप करने का इसका मकसद यही था। 10 मिनट में आपने इसको ऐसे डिप करके रख देना है। उसके बाद फिर आपने इसको जो है वो बॉयल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये मैंने इसको पानी से निकाल के अच्छे से इसकी स्किन जो है वो झिली जो है ये देखें, ये सारी निकाल दी। और ये देखें कितने अच्छे से ये सारी साफ़ हो गई है, आप देख लें। अब इसको मैंने पतीली में रख दी है बॉयल होने के लिए, और इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ जो है वो टीस्पून जो है वो इसमें हल्दी का डालूंगी। और इसको जस्ट 2 बॉयल आएंगे तो फिर इसको मैं चूल्हे से उतार दूंगी और फिर इसके बाद इसको फ्राई करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए, ये देखें मैंने पैन ले लिया है, इसमें अब मैं देसी घी डाल रही हूँ क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको जब भी बनाएं तो कोशिश किया करें कि देसी घी में इसको आप फ्राई करें, तो ये हेल्थ बेनिफिट इसके जो हैं फ़ायदे ही फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा। और लेकिन अगर आप इसको वैसे सालन के तौर पे खाना चाहें तो फिर आप इसको वो मसाले के साथ बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह वो दूसरी रेसिपी में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये अभी मैंने इसको सिर्फ बनाना है कि ये हमें थोड़ी सी सेहत के हवाले से कि अच्छा रहे हमारे लिए, तो ये मैं बना रही हूँ। अब मैंने इसमें देसी घी डाल दिया तकरीबन बड़ा चम्मच एक ये वाला, तो चाहे तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल सी बहुत आसान सी रेसिपी है ये। अब जैसे इसमें ये शामिल करूँगी मैं देसी घी, काली मिर्ची और नमक, उसके साथ मैं इसको फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा घी जो अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हमने इसको डाल देना है। बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार है इसकी तैयार होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। बहुत ज़्यादा इसमें आपने इसको छोटा नहीं करना है। अगर किसी को पसंद है तो इसमें आप लहसुन अदरक जो है वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा कूट के मोटा मोटा, तो वो भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। और अगर किसी को इसे सादा पसंद है तो ये आप इसको हमने फ्राई करना है थोड़ा सा। जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसमें मैंने काली मिर्चें और नमक जो है वो शामिल करें। नमक आप हंसते ज़रूरत जितना आपको पसंद हो डाल सकते हैं। और काली मिर्च जो है वो मैंने यहाँ पे एक जो है चाय का चम्मच यूज़ की है। मेरे पास इस टाइम बारीक पीसी हुई है, तो आप चाहें तो इसको मोटा जो कुटी हुई काली मिर्ची होती है वो भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है देसी घी की वजह से इसमें से। 2 से 3 मिनट हो गए हमारा इसको, ये देखें फ्राई हो गए। तो अब हम इसमें काली मिर्ची और नमक जो है वो ऐड कर देते हैं। आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत ही अच्छी होती है। इसके बहुत सारे जो है वो तिबी फ़वाद भी हैं और सेहत के लिए ये बहुत अच्छी होती है। तो ये आप देखें, ये बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है सर मेरे किचन से। तो आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी, आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप में से किसी ने भी कोई भी रेसिपी जो है वो आप चाह रहे हैं कि मैं बनाऊँ, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि मैं आपके साथ कौन सी जो है मज़ीद वो रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूँ। तो भेजा फ्राई है या मगज़ फ्राई जिसको आप कह रहे हैं, ये तैयार है। तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करनी है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।